नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे हम रेडको खैतान शेयर के बारे में, कंप्लीट रिव्यू जानेंगे। ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारी बातें जो होगी वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्योंकि जो हम लेवल्स बताते हैं आपको वो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। शॉर्ट टर्म में आप एंट्री ले सकते हैं। अगर ट्रेड हमारे फेवर में जाता है, ट्रेड फेवर में जाता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हुए होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट पर, मतलब जो लार्जर टाइम फ्रेम है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है, देख लीजिए। इस ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक्स फॉलो कर रहा है 2020 के गिरावट से, और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ देखिए थोड़ा सा करेक्ट होकर के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें डिस्काउंट पे भी ये स्टॉक मिला और इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो भी कर रहा है। मतलब इस ट्रेंड लाइन को अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो ये एक लंबा टाइम फ्रेम है, दो साल का, दो साल से अधिक का। उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक यहाँ पर साइड में जा सकता है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है या तो फिर डाउन जा सकता है। अब देखिए फिलहाल प्राइस मोमेंटम की बात करें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद यहाँ से थोड़ा सा एक पुल बैक देखने मिला, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में थोड़ा सा पुल बैक कहते हैं। मतलब एक ट्रेंड चला यहाँ पर डाउन साइड का और एक पुल बैक हमें दिखले अप साइड का देखने मिला, जिसको हम खास करके फिबोनाची लेवल लगा करके मेजर करते हैं कि ये पुल बैक कितना है। देखिए पुल बैक यहाँ से हम मेजर करें तो ये पुल बैक लगभग देखिए 0.38 का है। तो ये पुल बैक उतना स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो जाए। ट्रेंड रिवर्स कब होगा? जब 0.6 से ऊपर चला जाएगा प्राइस पुल बैक के बाद, तो हम इसे रिवर्सल कह सकते हैं। और जब ये अपने हाई को ब्रेक कर देगा तो ये पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा। तो अभी देखिए ये पुल बैक उतना स्ट्रांग है नहीं कि हम कहें कि ये स्टॉक बुलिश हो चुका है। तो ये स्टॉक को बुलिश कब कहेंगे? जब ये देखिए 1000 के ऊपर सस्टेन कर जाए। एक 1000 जो है इसका साइकोलॉजिकल लेवल है। देखिए यहाँ पर ये रेसिस्टेंस पुल बैक लिया तो ये यहाँ पर फेस किया रेसिस्टेंस, यहाँ पर फेस किया जो कि है 986 रुपीज का प्राइस। लेकिन हम यहाँ पर 1000 लेकर के चलेंगे, 14 रुपीज ऊपर लेके चलेंगे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 1000 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। तो वीकली चार्ट पे अभी स्टॉक का जो रिसेंट प्राइस मोमेंटम है वो क्या है? डाउन साइड है। ये बुलिश कब होगा? जब 1000 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करेगा। तो क्या हम शॉर्ट टर्म के लिए बाय 1000 के ऊपर करेंगे? तो बिल्कुल 1000 के ऊपर हम शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा सबसे पहले वो इसका ऑल टाइम हाई होगा है, जो कि 1295 रुपये का है। तो ये हम टारगेट लेके चलेंगे जब एक 1000 के ऊपर ये सस्टेन कर जाएगा। और वहीं पे स्टॉप लॉस जो होगा अगर यहाँ से रिवर्स होता है प्राइस मोमेंटम, तब देखिए यहाँ पर डेली चार्ट पर आ जाते हैं तो रिसेंट प्राइस मोमेंटम क्या है? डाउन साइड। अगर यहाँ से ये रिवर्सल दे 1000 के ऊपर निकले तो हम बाय करेंगे, तब फिर इसके नीचे जस्ट हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो उन्हें SIP मोड में बाय करना चाहिए। देखिए स्टॉक अभी इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकता है, जो कि ट्रेंड लाइन मैंने पहले ही वीकली चार्ट पर यहाँ पर ड्रॉ किया था। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो आप बाय कर सकते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी। अगर यहाँ से रिवर्स करके 1000 के ऊपर जाए तो अपने क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो 1000 काफ़ी साइकोलॉजिकल लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलेगा तो हम इस स्टॉक में बुलिश होंगे, इसके नीचे है तब तक हम इस स्टॉक में बेरिश हैं। तो देखिए उतना कॉम्प्लिकेटेड हम एनालिसिस को नहीं करेंगे, एनालिसिस हमारा काफ़ी सिंपल होगा। अगर यहाँ पर प्राइस मोमेंटम नीचे है तो यहाँ पर वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बात करें कि यह स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये इसका ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट रीजन है, एक तरह से ट्रेंड लाइन सपोर्ट रीजन। और यहाँ पर वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस नीचे रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जिसे हम वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी कहते हैं, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज होना चाहिए, अगर प्राइस को नीचे आना होता तो यहाँ कहीं ना कहीं स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट होने के बाद 1000 के ऊपर निकलेगा तो फिर हम इसको बाय करेंगे, अभी फिलहाल हम बाय नहीं करेंगे। और टारगेट मैंने बता ही दिया कि 1295 रुपये हमारा पहले टारगेट होगा, फिर इसके ऊपर निकलेगा तो 1500 रुपये दूसरा टारगेट होगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक को निश्चित रूप से होल्ड करें। जो लिकर सेक्टर है, जो दारू शराब सेक्टर है, उसकी ये लीडिंग कंपनियाँ हैं, तो काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है। थोड़ा सा सीजनल बिजनेस है, कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है तो बिजनेस को इफेक्ट करता है शॉर्ट टर्म में। किसी स्टेट में पॉलिसी आ गया तो उस स्टेट में मान लीजिए शराब बैन होता है तो वहाँ पर बिजनेस इफेक्ट होता है। तो थोड़ा बहुत इसमें सीजनल इफेक्ट आते रहता है इस कंपनी के बिजनेस में, तो इन सब बातों पर आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।